इन उपायों को करने से पूरी होगी सभी इच्छाएं, खत्म होंगे सारे विघ्न। प्रत्येक साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदातिथि से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। इस गुप्त नवरात्रि में सात्विक तथा तांत्रिक विधि से पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के पर्व का आरंभ 12 फरवरी से हो चुका है तथा ये 21 फरवरी को खत्म भी हो जाएगा। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक गुप्त नवरात्रि का पर्व प्रत्येक वर्ष दो बार आता है, एक बार माघ मास में तथा दूसरे आषाढ़ मास में। ऐसी प्रथा है कि यदि गुप्त नवरात्रि के चलते कुछ उपाय किए जाएं तो माता लक्ष्मी बेहद ही खुश हो जाती हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान इन उपायों को करें। एक, गुप्त नवरात्रि पर माता लक्ष्मी की आराधना करते वक्त उन्हें कमल का पुष्प जरूर चढ़ाएं। यदि आपके पास कमल का पुष्प नहीं है तो आप कमल के पुष्प वाली फोटो भी लगा सकते हैं, इससे भी माता लक्ष्मी खुश होती हैं। दो, यदि गुप्त नवरात्रि के चलते सोने अथवा चांदी का सिक्का घर लाते हैं तो माता लक्ष्मी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं, इससे आपके घर में धन एवं सुख समृद्धि आती है। तीन, गुप्त नवरात्रि के चलते माता दुर्गा को लाल रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो वो भी इससे स्वस्थ हो जाता है। साथ ही ओंकारनम मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए, इससे मनुष्य को माता का आशीर्वाद मिलता है। चार, गुप्त नवरात्रि के चलते कर्ज से निजात पाने के लिए माता दुर्गा के सामने गुगल की सुगंध वाली धूप जलाएं, इससे कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पाँच, गुप्त नवरात्रि के दौरान घर में मोर पंख लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। मोर भी माता लक्ष्मी की ही सवारी है। मोर पंख को घर पर लाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। भूल कर भी न करें ये गलतियाँ। एक, पूजा के दौरान चमड़े की चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए, न ही अपने आसपास रखें। दो, पूजा करते वक्त लाल पीले शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, काले कपड़े न पहने। तीन, मांस मदिरा तथा शराब के सेवन से बचें, किसी भी प्रकार की हिंसा न करें। चार, किसी से विवाद न करें तथा न ही किसी के लिए अपशब्द कहें, मन में माँ तारानी का मनन करें। पाँच, किसी कैया का अनादर न करें, कैया को देवी समान माना जाता है। छः, इसके चलते न तो बाल कटवाएं, न दाढ़ी बनवाएं तथा न ही नाखून काटें। सात, अपनी पूजा को पूर्ण रूप से गुप्त रखें।